दोस्तों, चाइना अपने नए नए टेक्नोलॉजीज़ की वजह से और अपने नए नए कारनामों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है और लोगों को चौंकाता ही रहता है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक ग्लास ब्रिज बनाई थी, जिससे सब लोग उसकी तारीफ़ कर ही रहे थे कि अभी चाइना ने तैयार कर डाला है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। जी हाँ, दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल। आज हम बता रहे हैं आपको इस पुल के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको मिले टॉप वीडियोस सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आज दुनिया का सबसे लंबा सी ब्रिज ओपन कर दिया है, जो कि पिछले 9 सालों से बन रही थी, जिसमें 4 लाइन रोड शामिल है। बात इसकी लंबाई की करें तो ये 55 किलोमीटर यानी 34 मील लंबी है, जो कि हांगकांग से मकाओ तक है। इस पुल को तैयार करने में कुल $20 बिलियन खर्च हुए हैं, लेकिन अफसोस कि इस पुल को बनाने में लगभग 9 सालों में 18 लोगों की मौत भी हुई है, जो कि वर्कर्स थे। मिस्टर जी सहित हांगकांग के कई लीडर्स उद्घाटन के समय मौजूद थे। अब बात इसकी खासियत की कर लेते हैं तो ये पुल अब 3 कोस्टल सिटीज़ यानी हांगकांग, मकाओ और जूही को जोड़ती है, जिससे समुद्री मार्ग आसान होगा। और उस पुल को भूकंप प्रूफ बनाया गया है, ये स्टील से बना है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 4000 टन स्टील लगे हुए हैं, यानी इतने स्टील से कम 60 ईफिल टावर बनाया जा सकता है। वही नज़दीक एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया गया है, जिसमें भी $6 बिलियन से ज़्यादा डॉलर खर्च हुए हैं। अब बात करते हैं ये बनाना कितना ज़रूरी था। तो मैं आपको बता दूं कि साउथर्न चाइना के 11 शहर तक पहुंचना इस पुल ने आसान बना दिया है, जहां लगभग 68 मिलियन लोग आबादी है। अब एक और ज़रूरी बात सुन लें कि क्या क्या इस पुल से सभी आम लोग आना जाना कर पाएंगे, या फिर ये किसी के लिए ख़ास है? तो जवाब है नहीं। इस पुल को पार करने के लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक कोटा का सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि एक दिन में यहाँ के इस पुल से सिर्फ 9200 गाड़ियाँ ही गुजर सकती हैं, और इसमें कोई रेलवे लाइन भी नहीं है। इसी वजह से ये अभी फ़िलहाल ये आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा, बल्कि जो परमिटेड होंगे सिर्फ वही इस पुल को पार कर सकेंगे। अब लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, ये भी आप सुन लें कि ये पुल कितना ज़रूरी है या फिर और क्या चीज़ है। तो बट ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हैं कि हांगकांग साइड के लगभग 9 लोगों की जान गई है इस पुल को बनाने में, और भी 9 और लोग बने हैं दूसरी जगह से। तो मीडिया इस पर थोड़ा सा नेगेटिव राय है, जो कि कॉमन है। इसके अलावा डॉल्फिन मछली, जिसकी तादाद हांगकांग के नज़दीक सी में लगभग 148 थी, तो वो इस पुल के बनने से लगभग अभी घटकर सीधे 47 पे आ गई है। माना जाता है कि इस पुल के निर्माण से ही उसकी मौत हो गई है। WWF के एक सदस्य ने एक तस्वीर भी ली है, एक मरा हुआ डॉल्फिन, आप जो यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं वो डॉल्फिन किस तरह से मरा हुआ है। बहरहाल, ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, और ये खूबसूरत भी है, जो कि आपने तस्वीरों में देखा ही है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।